क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है हमें एक्स रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बॉक्स एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, एंड मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई ये क्या है, इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स लेस इक्वल्स टू फ्रॉम वाई होगा एंड अदरवाइज इक्वल्स टू वाई होगा, मतलब जब एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, जब एक्स ग्रेटर देन फ्रॉम वाई होगा तब इसका वैल्यू होगा वाई, ठीक है, एंड एक्स एंड वाई दोनों रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है एंड एफ एक फंक्शन है इस डोमेन से रियल नंबर पे, ठीक है। अच्छा, डिफाइन किया गया है इस तरह से एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है डोमेन पे बिलोंग कर रहा है माइनस टू पाई से टू पाई पे बिलोंग कर रहा है एंड कंसिडर द एस इक्वल्स टू यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सच दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स। अच्छा, तो इस इंटरवल पे हमें एफ का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना होगा, ठीक है, जितने पॉइंट पे एफ डिसकंटिन्यूटी हो रहा है वो है एस का कार्डिनलिटी, ठीक है, एस में उतना एलिमेंट हमें मिलेगा, देखते हैं। अच्छा, पहले टू पाई जो है उसका हम वैल्यू फाइंड कर ले, टू पाई इक्वल्स टू टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन, इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 44 बाई सेवन, तो 44 को 7 से 44 को डिवाइड करेंगे तो होगा 6 से देंगे तो होगा 42, 2 पॉइंट दो 0, 7 टू 14, 6 0, 7 7 49, 7 8 56, 4 या फिर 0 7 5 35 एंड 5, ओके, तो 0 7 7 49, 1 रिमाइंडर 1, 0 7 1 7 3, 0 एंड 7 7 4 28, 2 0 7 2 14 रिमाइंडर 6, तो इसका वैल्यू आ रहा है तो 2 पाई इक्वल्स टू आ रहा है 6.2851714, ओके। अच्छा, ये है 2 पाई, ओके, तो ये जो इंटरवल हमें दिया गया है एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 6.285714 बार कॉमा 6.285714 बार, ओके। तो यहाँ माइनस टू पाई से टू पाई पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6, इसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा 6.285714 बार, मतलब 2 पाई, ठीक है, एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -2 पाई, ठीक है, ये आएगा -2 पाई। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, पहले हम 0 से 1 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से जब x जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा x 0 लेस देन फ्रॉम x लेस देन फ्रॉम 1, इस इंटरवल पे x जब 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, या पे काम करते इक्वल दे देते हैं, x जब 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा तब बॉक्स x क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, बॉक्स x होगा 0, तो मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस 0, मतलब मिनिमम ऑफ x कॉमा x, मिनिमम ऑफ x कॉमा x क्या होगा, x होगा, तो एफ एक्स क्या होगा, साइन x, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब x 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा, x जब 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा तब बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तब एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस 1। देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन ये दिया गया है कि मिनिमम ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू है x, कब होगा, जब x लेस इक्वल्स टू फ्रॉम y होगा एंड ये क्या होगा, एंड अब y कब होगा, जब x ग्रेटर देन फ्रॉम y, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स सॉरी सॉरी साइन एक्स कॉमा एक्स माइनस बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स क्या होगा वन होगा, एक्स कॉमा वन, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू होगा क्या होगा, साइन एक्स होगा या एक्स माइनस वन होगा। देखो ये है एक्स, ये है वाई, वाई जो है वो लेस देन फ्रॉम एक्स से, वाई जो है वो लेस देन फ्रॉम एक्स से, जब लेस देन होगा तब क्या होगा वाई होगा, यहाँ पे वाई क्या है एक्स माइनस वन, तो साइन एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब देखो जब एक्स टू एंड थ्री के बीच में लाई करेगा तब क्या होगा, साइन एक्स कॉमा एक्स, बॉक्स एक्स क्या होगा टू। अच्छा यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन फ्रॉम वाई है तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा वाई होगा, वाई मिनिमम होगा तो इसलिए साइन सॉरी यहाँ पे एक मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा एक्स माइनस टू, तो साइन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो सिमिलरली जब एक्स जब थ्री एंड फोर के बीच में लाई करेगा, थ्री एंड फोर के बीच में लाई करेगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू साइन होगा साइन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा सिमिलरली जब फोर एंड फाइव के बीच में लाई करेगा तब होगा एक्स माइनस फोर, फाइव एंड सिक्स के बीच में लाई करेगा तब होगा एक्स माइनस फाइव। अब देखो जब सिक्स एंड टू पाई के बीच में लाई करेगा तब वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस सिक्स, ओके। अच्छा अब एक चीज़ देखो जब, अच्छा ये लिख देता हूँ मैं, जब सिक्स एंड टू पाई के बीच में लाई करेगा तब क्या होगा इसका वैल्यू, तब होगा इसका वैल्यू साइन एक्स माइनस सिक्स, ओके। अच्छा यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है वो क्लोज्ड दिया गया है, ठीक है, तो हमें टू पाई पे भी चेक करना होगा। तो जब एक्स इक्वल टू टू पाई पे क्या होगा इसका वैल्यू, देखो जब एक्स इक्वल टू टू पाई पे, एक्स इक्वल टू टू पाई, टू पाई क्या है, टू पाई इक्वल टू है सिक्स पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स करोगे, बॉक्स एक्स मीन्स बॉक्स टू पाई क्या होगा सिक्स होगा, ठीक है। तो बॉक्स एक्स इक्वल्स टू होगा सिक्स, तो यहाँ पे होगा साइन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस सिक्स, तो इस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा साइन एक्स माइनस सिक्स, तो यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू पाई पे भी इसका वैल्यू होगा एक्स माइनस सिक्स, तो यहाँ पे इक्वल दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ पे जब एक्स फोर एंड फाइव के बीच में क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स जब फोर एंड फाइव के बीच में होगा एंड फाइव एंड सिक्स के बीच में होगा, देखो जब फोर एंड फाइव के बीच में होगा तब होगा एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स माइनस फोर, एंड जब फाइव एंड सिक्स के बीच में होगा तब होगा साइन एक्स माइनस फाइव। अच्छा अब पहले देखते हैं वन पे ये कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, एक्स इक्वल्स टू वन यहाँ पे पुट करोगे तो होगा साइन वन, यहाँ पे पुट करोगे तो होगा क्या होगा साइन जीरो मीन्स जीरो, ठीक है। तो वन पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो रहा है वन पे हो रहा है। अब देखते हैं टू पे, टू रखो जीरो होगा, यहाँ पे टू रखो तो होगा साइन वन, तो मतलब टू पे भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सिमिलरली थ्री पे भी होगा, फोर पे होगा, फाइव पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब सिक्स पे देखना है, सिक्स सिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सिक्स रखोगे तो होगा जीरो साइन जीरो मीन्स जीरो, यहाँ पे सिक्स रखोगे तो होगा वन, सिक्स माइनस फाइव मीन्स वन साइन वन, ठीक है। तो सिक्स पे भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ओके। अब टू पाई पे चेक करना है, टू पाई कहाँ पे है, टू पाई सिर्फ यहाँ पे ही है, यहाँ पे टू पाई रखोगे तो क्या होगा साइन टू पाई माइनस सिक्स, ठीक है, टू पाई सिर्फ यहाँ पे ही है, ओके। तो टू पाई पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके। अच्छा अब एक काम करो, ज़ीरो पे चेक करो, ज़ीरो पे कैसे चेक करेंगे, देखो एफ एक्स का वैल्यू जब एक्स माइनस वन एंड ज़ीरो के बीच में होगा तब क्या होगा साइन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अच्छा यहाँ पे बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा माइनस वन, तो साइन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स होगा माइनस वन, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा
तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है एक्स, दिस इक्वल्स टू आ रहा है, दिस इक्वल्स टू आ रहा है साइन एक्स। साइन एक्स कब होगा, जब एक्स माइनस वन एंड ज़ीरो के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ज़ीरो पे, ज़ीरो पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस होगा, या पे ज़ीरो रखो तो होगा साइन ज़ीरो, या पे ज़ीरो रखो होगा साइन ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, ओके। अच्छा अब देखना ये है कि माइनस टू एंड जब माइनस वन के बीच में होगा, ठीक है, तो इस फंक्शन का वैल्यू होगा साइन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स होगा माइनस टू, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा, दिस इक्वल्स टू होगा साइन, साइन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू साइन एक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स होगा, कब होगा, जब एक्स ज़ीरो से माइनस वन के बीच में हो, या माइनस टू से वन के बीच में हो, या माइनस थ्री से जब, माइनस थ्री से जब माइनस टू के बीच में होगा तब भी साइन एक्स ही होगा, माइनस फोर से माइनस थ्री के बीच में, माइनस फाइव से माइनस फोर के बीच में भी, माइनस सिक्स से माइनस फाइव के बीच में भी साइन एक्स ही होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस सिक्स से ज़ीरो के बीच में एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे क्या ये कंटिन्यूस होगा, हाँ ये ज़रूर कंटिन्यूस होगा, माइनस वन पे यहाँ पे साइन एक्स है, माइनस वन पे भी साइन एक्स है, ठीक है। अच्छा तो माइनस वन पे कंटिन्यूस, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव पे भी कंटिन्यूस है। अच्छा माइनस सिक्स पे देखते, देखो जब माइनस टू पाई से सिक्स के बीच में होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, जब एक्स माइनस टू पाई से माइनस सिक्स के बीच में होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, तो दिस इक्वल्स टू साइन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे बॉक्स, सॉरी ये सिक्स नहीं, ये माइनस सिक्स है, यहाँ पे बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो बॉक्स माइनस सिक्स पॉइंट टू एट समथिंग, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस सेवन होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ रहा है साइन एक्स, इसका वैल्यू आ रहा है साइन एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी साइन एक्स आ रहा है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू होगा साइन एक्स, कब होगा, जब एक्स, जब एक्स माइनस टू पाई से, माइनस टू पाई से ज़ीरो के बीच में होगा तब, ठीक है। अच्छा ज़ीरो के बीच भी नहीं, वन के बीच में भी होगा तब भी, ज़ीरो हटा के वन दे देते हैं, जब माइनस टू पाई से वन के बीच में होगा तब एफ एक्स का वैल्यू होगा साइन एक्स। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है, यहाँ पे ये इस पे भी कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमें मिल रहा है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिक्स पॉइंट पे, छः पॉइंट पे हमें एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। एस सेट पे वो पॉइंट, वो एक्स आना चाहिए जहाँ पे एफ डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, सिक्स पे एफ डिसकंटिन्यूस है, तो छः पॉइंट पे एफ डिसकंटिन्यूस है, तो एस का कार्डिनलिटी क्या होगा, सिक्स होगा, ठीक है।